हमारे साथ है साजिया परवीन, जो न रात में सोती थी न दिन में खाना खाती थी, इतनी पढ़ाई करती थी कि पढ़ाई करते 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 इनकी आंखें सूज गई थी। इसके बाद इन्होंने बिहार टॉप किया। सर, बिहार टॉप करना इतना आसान नहीं होता, सही हूँ मैं? ये सर हुआ है। गजब झूठ बोलती है। रात में सोती नहीं थी, दिन में खाती नहीं थी आप? कभी कभी मिस हो जाते थे। बिहार बोर्ड में तीसरा रैंक प्राप्त करने वाली हमारे साथ साजिया परवीन है, जिन्होंने 500 में 486 अंक अर्जित किया है। और ये उनका परिवार, इधर पिताजी हैं, ये छोटी बहन है, ये छोटा भाई है, ये भाई हैं, ये माताश्री है। और दिलचस्प बात ये है कि इनकी पूरी फैमिली ही पहले से एजुकेटेड है। पिताश्री टीचर हैं, माताजी भी टीचर हैं, और अब बेटी ने बिहार टॉप करके ये साबित कर दिया है कि अगर परवरिश आपकी अच्छी हो तो आप शानदार काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बधाई। थैंक यू सर। बधाई आपको। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब क्या अच्छा लग रहा है? उम्मीद था कि आप भी टीचर हैं, मम्मी भी टीचर हैं, तो बेटी टॉप कर जाएगी। मतलब उम्मीद तो था, उम्मीद 100% था कि टॉप करेगी। माता पिता का प्रेशर था आप पे? नहीं, प्रेशर नहीं था, पढ़ाई अच्छी लगती थी, बस प्रेशर किस बात की। अच्छा, इन लोगों ने प्रेशर नहीं डाला था कि इज्जत का सवाल है? नहीं नहीं, प्रेशर नहीं डाला था। लास्ट टाइम तो पापा ने इतना भी कहा था कि जो लिखो उतने में हम लोग संतुष्ट हैं। कौन कौन से विषय में कितना कितना मार्क्स आया? साइंस में 99 मार्क्स आए हैं, मैथ्स में 97 है, हिंदी में 98 है, और SST में 96 है, एंड उर्दू में भी 96 है, और इंग्लिश में 94 है। तो ये जो 4-4, 5-5 अंक छूटा है, वो क्यों छूट गया? सर, शायद मेहनत में थोड़ी कमी रह गई है। मेहनत में कमी रह गई? शायद थोड़ा कमी रह गई है। ये होता है जवाब कि अगर थोड़ी सी भी चीज़ें बाकी रह गई तो कमी रह गई। पढ़ाई क्या? मोस्टली तो मैं सेल्फ स्टडी किया करती थी। टारगेट बोर्ड से है ना, मैंने क्रैश कोर्स किया, और ऑब्जेक्टिव भी है ना, काफ़ी PYQs मुझे खुद से करने नहीं पड़े, टारगेट बोर्ड से ही हो गया ऑनलाइन क्लासेस में। और सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्टिव के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहते थे, तो जो भी डाउट्स होते थे पापा से या स्कूल के टीचर से क्लियर हो जाते थे, उसके लिए ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। अब एक और परिचय सुनिए। हमारे साथ है साजिया परवीन, जो न रात में सोती थी न दिन में खाना खाती थी, इतनी पढ़ाई करती थी कि पढ़ाई करते 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 इनकी आंखें सूज गई थी। इसके बाद इन्होंने बिहार टॉप किया। सर, बिहार टॉप करना इतना आसान नहीं होता, सही हूँ मैं? ये सर हुआ है। गजब झूठ बोलती है। रात में सोती नहीं थी, दिन में खाती नहीं थी आप? कभी कभी मिस हो जाते थे। नहीं नहीं, एक्चुअल बताइए कितने घंटे सोती थी आप? वैसे मैं, मुझे सोने का बहुत अच्छा लगता है सोना, और एग्जाम के बाद तो दिन भर सोए रह जाते थे, लेकिन एग्जाम से पढ़ाई, जब आप पढ़ाई कर रही थी तब कितने घंटे सोती थी? ज़्यादा 5-6 घंटा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जब भी पढ़ाई करने बैठते थे तो घड़ी देख कर नहीं बैठते थे, बस घड़ी देख कर बैठते थे तो प्रेशर बनने लगता था कि अरे यार 2 घंटा हो गया फिर भी कम्प्लीट नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, इसलिए घड़ी देख कर नहीं बैठते। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? वैसे तो एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन ऑन एन एवरेज तो 6-7 आवर्स पढ़ ही लेते थे। मतलब 6-7 घंटे की पढ़ाई में बिहार टॉप कर गई? यस सर। ये हमने बस मजाक के तौर पे इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे से समझा सके कि बिहार टॉप करना हो या अच्छा रिजल्ट लाना हो, उसके लिए वो जो कहावत है ना कि रात में नींद और दिन का भोजन त्यागना पड़ता है, वो एक कोरी कल्पना भर है। सच ये है कि आप बड़े ही आराम से, अगर तल्लीनता के साथ दिमाग लगा के एकाग्रचित होके पढ़ाई करें, तो 6-7 घंटे की पढ़ाई में बिहार टॉप कर सकते हैं। और साजिया प्रवीण ने इस चीज़ को पूरी तरह से सही साबित किया है। अच्छा, आपका क्या योगदान था? मेरा योगदान था, मेरा ही योगदान तो है, तब ना टॉप की। और योगदान के साथ था तो उसका मेहनत, सबसे बड़ा है कि उस मेहनत करती थी। अच्छा माता जी, आप कैसे इनको सपोर्ट किया है? इनको पढ़ाई करने के लिए बोलते थे। आगे आप लोग पढ़ाएंगे? हाँ पढ़ाएंगे। कितना? ये बोलती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो मैं इसको पढ़ाएंगे। आप लोग कितना सपोर्ट करेंगे? नहीं, पढ़ाई जो पढ़े हम पढ़ाएंगे। आपको लगता है कि गांव के इस परिवेश में आपको पूरी तरह से पूर्ण आज़ादी देके पढ़ाई जाएगी? जी हाँ बिल्कुल। हम इनका इंटरव्यू बस इसलिए करने आ गए क्योंकि इनका नाम साजिया परवीन है। सर एक बार फिर से सुनिए, इनका नाम साजिया परवीन है और पटना से बेहद नज़दीक हैं।
हम इनका इंटरव्यू बस इसलिए करने आ गए, नहीं तो बिहार टॉप पूर्णिया के एक लड़के ने किया है जिसका नाम कुछ और है और उन्होंने इनसे ज़्यादा अंक भी अर्जित किया है, लेकिन इनका नाम साजिया परवीन है, ये लड़की हैं। इनके हिस्से में संघर्ष कुछ ज़्यादा ही आया होगा, आप इस बात को माने या ना माने, क्या कुछ स्ट्रगल करना पड़ा था? सर वही जो स्टडी करनी थी, स्टडी में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी इसलिए उसमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि वो प्रेशर बन रहा है, यहाँ प्रेशर बन रहा है, वहाँ प्रेशर बन रहा है, इसको लिए लेकर है ना कोई दिक्कत नहीं हुई। और फैमिली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी जिससे की वजह से कोई भी सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुई और पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहे, लास्ट तक उन्होंने सपोर्ट किया, फिर टारगेट बोर्ड भी हमारे साथ बने रहे और उनका है ना जो 12 आवर्स का है ना क्लास था वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहा। सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मन लगता है? साइंस पढ़ने में। साइंस पढ़ने में सबसे ज़्यादा मन लगता है। उर्दू पढ़ने में? सर उसमें भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि उस पर जो भी राइटर होते हैं उनकी जो भी उपलब्धियाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, वो इतना ज़्यादा अपने ना पढ़ाई के लिए बहुत 18th century में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, उनकी उपलब्धियाँ मुझे पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। दुर्योधन को? सर मुझे इसके बारे में, मैंने हिंदी में है ना नॉन हिंदी पढ़ा है, मेरे सब्जेक्ट में ये नहीं था, मुझे कोई हॉली बुक्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगी, थोड़ा आप बोलिए, आप भी टीचर रही हैं तो आपने भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, तो ऐसा देख के स्टार्टिंग से पढ़ाई पीरियड देख के लग जाता है कि हाँ ये बच्चा थोड़ा सा स्पेशल है? हाँ ये पढ़ने में बहुत तेज थी बच्चे से। मतलब ये फैमिली की खुशी है और फैमिली की खुशी आप चेहरे से देख सकते हैं। बाकी एक सुझाव रहेगा, बिहार टॉप करने वाले लड़के अक्सर या लड़कियाँ अक्सर 1-2 साल के बाद गुमनाम हो जाती हैं, मतलब ये भी नहीं पता चलता है कि इंटर में उन्होंने कितना मार्क्स अर्जित किया। इनसे हमारा अपील है क्योंकि अक्सर हम लोग 4 साल से बिहार टॉपर का इंटरव्यू कर रहे हैं, इनसे पहले हम लोगों ने अनिशुर रहमान का किया था, रामायणी रॉय का किया था और अब वो बच्चे उन्होंने कितना अंक अर्जित किया है ये किसी को नहीं पता है, और वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि उन्होंने बिहार टॉप दोबारा से नहीं किया। तो आप जब पढ़ाई करिएगा तो इतना मन लगा के करिएगा कि गुमनाम ना होइए, मतलब ये सलाह है। बोलिए आप इस पे। सर हम पूरे प्रयास करेंगे कि कम से कम बिहार बोर्ड के टॉपर लिस्ट में गुमनाम ना हो जाए हम कहीं। तो ये अच्छी बात है। बाकी आप कुछ संदेश देना चाहें, टीचर हैं आप, टीचर होने के नाते उन बच्चों को संदेश देना चाहें जिन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स नहीं लाया है, उनके लिए क्या कहें? देखिए हतोत्साहित नहीं होना है, मेहनत कीजिए, और 10th में नहीं आया तो 12th में आएगा, मेहनत करना है। जो बच्चे फेल हो गए फेल हो गए हैं उसके लिए फिर विशेष परीक्षा होने जा रहा है, उसमें फॉर्म भरिए, मेहनत भी फेल हो जाए उसमें बराबर नहीं। फिर देखिए महमूद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ के मई इस पर सब आक्रमण किया था, चीटी से दिया था है ना सीख, तो इसीलिए संघर्ष कीजिए आप, मेहनत भी कीजिए। सबसे पहला है कि मेहनत कीजिएगा तो मेहनत आपका रंग लाएगा है ना, मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत देखिए हम भी मेहनत किए हैं तब ना आज मैंने टीचर है, यही टीचर है कि बेटी टॉप कर गई है, क्या कहना चाहते थे? देखिए सबसे पहले है कि हम मेहनत तो मेरा ही है ना, सारा जो भी मटेरियल था हम उसको ला के देते थे, यूट्यूब से हो चाहे कहीं से हो चाहे बुक के मैंने जो भी गेस्ट पेपर हो चाहे गेस्ट पेपर तो हम खरीदे नहीं थे कि बुक जो भी था तो वह उससे माने छांट छांट के हम लाते थे कि इससे पढ़ो, और पढ़ती थी। निश्चित तौर पे एक छात्र के सफलता में पेरेंट्स का, परिवार का, समाज का और शिक्षक लोगों का सबसे बड़ा योगदान होता है। बाकी आप क्या सोच रहे हैं जरूर बताइएगा, जो हमसे सवाल पूछ गया है वो हमारी टीम पूछ लेगी। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा नाम कुमार अभिनव है, देखने के लिए धन्यवाद और जाते जाते आप लोगों को एक बार फिर से बधाई। थैंक यू सर। आप तो पीछे रह गए, कैमरा में दिखे है ना? ठीक है।